जय हिंद, जय मध्य प्रदेश। काफी लोग जुड़ गए होंगे निश्चित रूप से, है ना। आकांक्षा सिवरे, जय हिंद सर। ठीक है, जय हिंद। नोटिफिकेशन 7:30 के इधर ना। नहीं हुआ गया आज, हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सेशन चालू किया और क्वेश्चन जो सॉल्व किए थे उनमें आपको कोई डिफिकल्टी कहीं आती है, कोई दिक्कत आती है तो बताएं, है ना, उसको अपन देखेंगे। तो हमने इसके पहले जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे, कल की बात हुई थी, 52 नंबर का क्वेश्चन रहेगा आज, मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई। तो मोटा मोटा पर्यटन या इन्वायरमेंट से जुड़े जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत पूछे जाते हैं। शुभ जुड़ गए हैं, जय हिंद, है ना। शिवांगी उपाध्याय जुड़ गए हैं, जय हिंद। डेली हमारी क्लास 7:30 से होगी, ये नोटिफिकेशन पे हमेशा डाल लीजिए आप लोग कि 7:30 से हम क्वेश्चन सेशन करेंगे। ठीक, जो ये जुड़ गई हैं, लेकिन अंसारी जुड़ गए हैं, वेरी गुड, है ना। चलो तो बात करें मध्यप्रदेश में, मध्यप्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मध्यप्रदेश पर्यटन बोर्ड लिखा है, एमपी टीबी जो लिखा हमने, की स्थापना की गई। कब की गई? वर्ष 2017 में, वर्ष 2015 में, 2011 में और 2013 में। जल्दी आंसर देंगे इसका, ठीक है ना। रक्षा, जय हिंद, है ना। वैशाली नामदेव, जय हिंद, ठीक है ना। शुभ लिखते हैं, जय हिंद। ऋचा देव जुड़ गई हैं, अमन जुड़ गए, अमन पटेल, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या है? मध्य प्रदेश पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश पर्यटन बोर्ड की स्थापना की गई है वर्ष 2017 में। लिख 2017 लिखते हैं, शुभ लिखते हैं ए, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कह सकते हैं कि 2017, तो 2017 सही आंसर है आप सभी का, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम, देखिए मशहूर शायर राहत इंदौरी बड़े फेमस थे, जिनका स्वर्गवास हो गया। तो राहत इंदौरी का जन्म स्थान मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में सन कब हुआ था इनका, राहत इंदौरी? तो आंसर है, आंसर देंगे 1945, 1950, 55, 60। इंदौर के मशहूर शायर हैं, राहत इंदौरी के नाम से पूरे देश में जाने जाते हैं। तो राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ ये आप बता सकते हैं, 53 राहत इंदौरी। तो आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश के लकी नंबर के आसपास जा सकते हैं कि राहत इंदौरी का जन्म कब हुआ। राहत इंदौरी तो ये पोल जनरेट हुआ है, मशहूर शायर राहत इंदौरी का जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में कब हुआ। राहत इंदौरी करंट से क्वेश्चन आ सकता है, ऐसा कह सकते हैं आप लोग। तो थोड़ा आगे बढ़ जाएंगे, पिथौरा क्या है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि पिथौरा क्या है। एक पिथौरा क्या है, भील आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है पिथौरा, या बैगा आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है ये कह सकते हैं, या हम बात करें कोरकू आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है, या हम बात करें कि ये सहरिया आदिवासियों की विश्व प्रसिद्ध चित्रकला है। जल्दी से आंसर देंगे 54 का, पिथौरा क्या है, पिथौरा क्या है, क्या ये भील चित्रकला है, बैगा चित्रकला है, कोरकू है, सहरिया है। तो जल्दी से आंसर करें, इसको पोल जनरेट करेंगे कि हम देखिए पिथौरा चित्रकला। चित्रकला का इतिहास मध्य प्रदेश का बड़ा समृद्ध इतिहास है। जब हम इस चित्रकला के इतिहास को देखते हैं तो विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकला है हमारी भीमबेटका की चित्रकला, और भीमबेटका को खोजने में वाकणकर साहब का बड़ी भूमिका थी। विष्णु वाकणकर साहब जो नीमच के रहने वाले हैं, उन्होंने भीमबेटका चित्रकला की खोज की, और हम देखते हैं कि आज भीमबेटका की जो चित्रकला है, जो मुख्यतः कहते हैं कि इसलिए जाति के लोग इसको बनाते थे, ये 2003 में यूनेस्को में शामिल हुआ।
वर्षा योग 54 का ए बता रही है, भील आदिवासी विश्वकला, ठीक है। तो हम देखते हैं इसमें पोल पिथौरा क्या है, उसको जनरेट किया गया है, सभी ए लेते हैं, आकांक्षा भी ए बताती है, राजब्रह्म भी ए बता रहे हैं, शुभ भी इसको ए बता रहे हैं, रक्षा भी ये बता रही है, जूही भी ये बता रही है, ठीक है, राजब्रह्म ए, ठीक है, वेरी गुड। और आंसर क्या होगा? तो हम भाई बात कर रहे थे कि चित्रकला का जो इतिहास है, मध्य प्रदेश का बड़ा समृद्ध इतिहास है। तो भीमबेटका विश्व की सबसे प्राचीनतम चित्रकला है, रॉक पेंटिंग है, जिनको 2003 में यूनेस्को में शामिल किया गया, जो हर एक एग्जाम का आधार बन चुका है। ऐसे रविंद्रनाथ की गुफाओं में कुछ चित्रकला है, धार की गुफाओं में कुछ चित्रकला है, हम देखें सिंगरौली में देखेंगे तो हम देखेंगे वहां पर माडा की गुफाएं, वहां भी छोटी मोटी चित्रकला मिलती है, सबसे फेमस जो चित्रकला है वही। तो हम देखते हैं पिथौरा चित्रकला भील आदिवासी की प्रसिद्ध चित्रकला है। ऐसे नंदन प्रिंट है, नंदन प्रिंट भी हम देखेंगे इंदौर का बड़ा फेमस है, इसी प्रकार बाघ प्रिंट बड़ा फेमस है, बाघ प्रिंट का के धार के हैं, तो ये बड़ी चित्रकला है। हम देखेंगे चित्रकला के क्षेत्र में काफी लोगों का नाम, हम दुर्गाबाई की बात करते हैं, जिनको 2022 में गौंड चित्रकला के लिए, हमने देखा कि गौंड चित्रकला के लिए उनको क्या मिला, पद्म श्री से सम्मान मिला। तो चित्रकला के क्षेत्र में मध्यप्रदेश का बड़ा समृद्ध इतिहास है, जहां हमारी लोक चित्रकलाएं भी है और जबकि राष्ट्रीय स्तर की चित्रकला है, वनवासी चित्रकला भी है, बहुत सारी ऐसी चित्रकला मिलेगी। रजनी यादव ने भी आंसर दिया है ना, ठीक है। आकांक्षा वाजपेयी ने भी आंसर दिया है, चलो वर्षा, ठीक, तो वेरी गुड। पिथौरा चित्रकला, तो चित्रकला के बारे में हमें पता होना चाहिए। अहल्याबाई होलकर की सेना का सेनापति किसे नियुक्त किया गया था? मालेराव होलकर, हरिराव होलकर, राधेराव होलकर और तुकोजीराव होलकर को नियुक्त किया गया था। जल्दी से इसको पोल जनरेट करते हैं और हम देखते हैं कि इसका आंसर क्या लेंगे आप लोग, ठीक है ना, किसको लिया गया। तो मैं आपको बता दूं, आपको इसके बीच में कुछ कुछ समझा देता हूं कि जो मराठा साम्राज्य है वो जो मध्यप्रदेश का लकी नंबर 5 है, तो 5 हिस्सों में बटा था। तो मराठा एम्पायर मध्यप्रदेश में 5 हिस्से में बटा था। नंबर 1 हम कह सकते हैं कि होलकर, तो होलकर जिनकी राजधानी इंदौर होती थी, उसके फाउंडर है मल्हारराव होलकर। इसी प्रकार एक व्यक्ति सिंधिया है, सिंधिया जिनकी राजधानी, आरंभिक राजधानी उज्जैन थी, इसके बाद उनकी राजधानी ग्वालियर हुई, उसके फाउंडर हैं, तो हम देखेंगे राणोजी सिंधिया कह सकते हैं। इसी प्रकार एक धार में हम देखेंगे पवार डायनेस्टी थी, तो धार में एक हम कह सकते हैं कि पवार डायनेस्टी धार की थी, जिसके आनंदराव पवार, हम कह सकते हैं कि आनंदराव पवार उसके फाउंडर थे। ऐसा ही छोटी पाती और बड़ी पाती दो ग्रुप थे, एक छोटी पाती ये देवास में थी, इसके जो फाउंडर है जीवाजीराव पवार कह सकते हैं। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि बड़ी पाती जो है तुकोजीराव पवार, तो तुकोजीराव पवार बड़ी पाती के फाउंडर है, वही जीवाजीराव पवार हम कह सकते हैं कि छोटी पाती के फाउंडर है, राणोजी सिंधिया परिवार के फाउंडर है, मल्हारराव होलकर के फाउंडर है, और वही बात करते हैं आनंदराव पवार जिसके धार में जो मराठा 5 हिस्से में बटा था। तो यह बात आ रही है तुकोजीराव होलकर का आंसर दे रहे हैं सब लोग, 100% तुकोजीराव होलकर आंसर सही, आप सबका बहुत ही शानदार आंसर है। मैं बात करता हूं देवी अहल्याबाई के बारे में। देवी अहल्याबाई का इतिहास भी बहुत समृद्ध इतिहास है हमारे इतिहास में। 31 मई 1725 में इनका जन्म हुआ था चौड़ी गांव। ये चौड़ी गांव अहमदनगर महाराष्ट्र में आता है। चौड़ी गांव का वर्तमान में नाम अहल्याबाई नगर रख दिया गया है, चौड़ी गांव। तो हम देखते हैं 31 मई 1725 में चौड़ी गांव अहल्याबाई नगर में उनका जन्म हुआ, और 31 मई को हम वर्तमान में इंदौर गौरव दिवस मनाते हैं। तो 31 मई इंदौर गौरव दिवस है, क्योंकि इंदौर की फाउंडर ही देवी अहल्याबाई हैं। देवी अहल्याबाई का जन्म 25 में हुआ, 33 में 1733 में उनका विवाह हम देखते हैं कि किससे हुआ, खंडेराव से हुआ। तो उनका विवाह खंडेराव से हुआ, और उनके जो ससुर हैं वो कौन है, मल्हारराव होलकर है। फिर हम देखते हैं आगे कि एक युद्ध के दौरान खंडेराव का स्वर्गवास हो जाता है 54 के आसपास, और 54 में उनके जब स्वर्गवास हो जाता है तो हम देखते हैं और आगे चलते हैं तो 66 के आसपास मल्हारराव होलकर का भी स्वर्गवास हो जाते हैं। मल्हारराव होलकर के स्वर्गवास के बाद मालेराव राजा बनते हैं, और मालेराव की संरक्षिका बन जाती है कौन, देवी अहल्याबाई। लेकिन एक वर्ष बाद 67 में मालेराव का भी स्वर्गवास हो जाता है। तो 67 से 1795 तक एक शासिका के रूप में, लोक माता के रूप में, देवी के रूप में पूजी जाती है देवी अहल्याबाई। कब से लेकर 1767 से हम देखते हैं 1795, ये देवी अहल्याबाई का युग है ऐसा कह सकते हैं हम लोग। और देवी अहल्याबाई ने अपनी राजधानी इंदौर से 67 में महेश्वर स्थापित कर दी। देवी अहल्याबाई हम देखते हैं मणिकर्णिका घाट बनारस, या बात करते हैं कि महेश्वर घाट, महेश्वर खरगोन,
जिसको हम अहिल्याबाई घाट भी कहते हैं, चाहे हम विश्वनाथ काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, द्वारका मंदिर हो, अयोध्या मंदिर हो, द्वारिकाधीश हो या जगन्नाथपुरी टेम्पल्स हो, इन मंदिरों के निर्माण और जीर्णोद्धार के लिए वो जानी जाती है देवी अहिल्याबाई। अपने एक सेना, अपने सैन्य एक महिला सेना के रूप में वो जानी जाती है, उनकी डिप्लोमेसी, उनकी महिला शक्ति को देखकर जो बाजीराव फर्स्ट है उन्होंने आक्रमण करने से भी पिछड़ दिया। तो उनकी सेना के सेनापति हैं तुकोजीराव होलकर, तुकोजीराव उनके सेनापति हैं ये कह सकते हैं। तो देवी अहिल्याबाई आज मध्य प्रदेश का गौरव है, वो देवी अहिल्याबाई लोक कला के क्षेत्र में, आदिवासी लोक कला के क्षेत्र में देवी अहिल्याबाई पुरस्कार भी दिया जाता है। देवी अहिल्याबाई इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है इंदौर में, देवी अहिल्याबाई विश्वविद्यालय भी है 1957 में बना हुआ इंदौर, ये कह सकते हैं देवी अहिल्याबाई। तो देवी अहिल्याबाई लोक माता के रूप में जानी जाती है, ऐसा आपको जानकारी भी मिलनी चाहिए, ये मैं कहा है ना। स्वास्तिक लिखे नमस्ते सर, नमस्ते वेरी गुड है ना। स्वास्तिक लिखते हैं वर्षा, वर्षा बिल्कुल है ना, जय हिंद ठीक है। चलिए काशी विश्वनाथ का मंदिर ठीक है वर्षा। सुधा लिखते हैं प्रणाम गुरु जी ठीक है वर्षा वगैरह वेरी गुड। और प्रिंस भी जुड़ गए हैं, प्रिंस पटेल बड़ी अच्छी बात है, प्रिंस भी जुड़ गए हैं। राजबरन वेरी गुड, सभी ने डी आंसर दिया बहुत अच्छा लगा, आगे बढ़ते हैं ठीक है ना, आंसर डी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 56 है श्रीमती भूरी भाई, आगे ये भी तो श्रीमती भूरी भाई चित्रकला की बड़ी फेमस है भूरी भाई, अगर हम देखेंगे तो चित्रकला में भूरी भाई जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। भूरी भाई का संबंध किससे, भील जनजाति से, गौंड जनजाति से, भरिया जनजाति से, बैगा जनजाति से। भूरी भाई, भूरी भाई, भूरी भाई का संबंध किससे है, आपको आंसर जल्दी से ढूंढना है कि भूरी भाई का संबंध भील जनजाति से है, गौंड जनजाति से है, बैगा जनजाति से है या भारिया जनजाति से। भूरी भाई देखें, भूरी भाई, भूरी भाई 56 का आंसर ए दे रहे हैं है ना ठीक है। ए सुबह भी ए लिख रहे हैं, सरिका भी गुप्ता बी लिख रही है गौंड जनजाति से है ना ठीक है, और सरिका बी लिख रही है, मंजू किशोरवाणी ए लिख रही है, शशांक पुरोहित ए लिख रहे हैं ठीक है ना, अनामिका भी लिख रही है, आकांक्षा ए लिख रही है, ऋचा देव ए लिख रही है ठीक है, जूही भी ए लिख रही है, रक्षा भी ए लिख रही है, गुड। तो बिल्कुल हमें मुझे एक की तरफ जाना पड़ेगा कि भील जनजाति से जुड़ी है भूरी भाई, और गौंड जनजाति से जो लोग आंसर दे रहे हैं तो गौंड जनजाति से जुड़ी हुई है हम भाई दुर्गा भाई, कौन है दुर्गा भाई जिनको 2022 में पद्मश्री मिला था। तो भूरी भाई हम कह सकते हैं कि किससे, भील जनजाति से, और भूरी से आप भाषे भूरी और भाषे भील कर सकते हैं, तो भाषे भूरी और भाषे भील जनजाति कर सकते हैं। और दुर्गा हम लिखते हैं दुर्गा, तो दुर्गा में गा रहा है तो गा से गौंड जनजाति कर सकते हैं। और आंसर मुझे दे सकते हैं कि बैगा जनजाति में चित्रकला के लिए कौन फेमस है, इसका आंसर किसी को मालूम है तो लिखें कि बैगा जनजाति में कौन चित्रकला के जानता। तो भील से भूरी भाई है ना, तो भील से है ना, और गौंड से दुर्गा, दुर्गा गा मतलब आ रहा है दुर्गा भाई जिनको 2022 में मिला। बैगा जनजाति से ढूंढ के बताइए आप लोग कि किस महिला को चित्रकला के लिए जाना जाता है जो मुख्यतः उमरिया की रहने वाली है, उमरिया जो शहडोल संभाग का जिला उमरिया है, वहां से बैगा जनजाति से किस महिला को चित्रकला के लिए जाना जाता है। तो इसको तो किस जनजाति, बैगा जनजाति से उमरिया में किस महिला को जाना जाता है चित्रकला के लिए, सर्च करना इसको। तो बताएं आंसर, जोधैया भाई, वर्षा लिखती है जोधैया भाई ठीक है। और बताएं अवनी कुमार है ना लिखती है जोधैया भाई, कहां से जोधैया भाई, उमरिया, तो जोधैया भाई उमरिया ठीक है। अच्छा भी जोधैया भाई, जोधैया भाई उमरिया से, गुड बहुत बढ़िया। अब जिन्होंने श्री अन्न के बहुत सारे संग्रह किए, लहरी भाई सुना होगा आपने, लहरी भाई, तो श्री अन्न के संग्रह के लिए तो जोधैया भाई को याद रखना है बैगा से, तो जोधैया भाई किसको, बैगा से, और भील से किसको जोड़ना है, भूरी भाई को, और दुर्गा को जोड़ना है गौंड से। तो आपको एक ही जगह पता चल जाएगा है ना, हाँ उमरिया से। प्राचीन खंगार वंश के संस्थापक कौन थे आप बता सकते हैं क्या, कि प्राचीन खंगार वंश के संस्थापक कौन थे, महाराजा चैत सिंह, महाराजा खेत सिंह,
मतलब बहादुर सिंह उपरोक्त में से कोई नहीं। खंगार वंश, खंगार वंश के फाउंडर कौन है, प्राचीन खंगार वंश के फाउंडर कौन है कौन है बताएं? महाराजा चेत सिंह, महाराजा खेत सिंह। महाराजा चेत सिंह है, महाराजा खेत सिंह है, महाराजा बहादुर सिंह है, इनमें से कोई नहीं। क्या आंसर है? चेत सिंह की तरफ लोग जा रहे हैं क्या? नमन, ठीक है। ऋतु लिखती है उमरिया, ठीक है। लहरी भाई, लहरी भाई, ठीक है। 57 का आंसर बी, 57 का ए लिख रहे हैं चेत सिंह कुछ लोग, आदित्य लिख रहे हैं ए, ठीक है। शशांक लिख रहे हैं बी, सुधा लिख रही है ए, चेत सिंह, ठीक है। पूर्णिमा लिख रही है ए, सारिका बी लिख रही है, खेत सिंह लिख, अंसारी लिख रही है बी, खेत सिंह, आकांक्षा ए, चेत सिंह, रक्षा ए, और राजबरन बी बी लिख रहे हैं, मतलब इनको ज्यादा कॉन्फिडेंस है। अवनी, अवनी कुमारी है ना, कुर्मी लिखे हैं क्या, अरबी कुर्मी क्या लिख रही है, बी, सब बी में ज्यादा है। ए को लॉक कर दिया जाए, वर्षा लिखते हैं ए को लॉक। अब मेरा मानना है बी को लॉक कर दिया जाए, तो महाराजा खेत सिंह है इसके फाउंडर, खगार मतलब खेत है ना, तो खंगार खा रहा है तो खेत, तो खंगार को खेत से जोड़ना आपको, किससे? खेत से, खेत फॉर खंगार। चलो वेरी गुड, ठीक। अगला क्वेश्चन हमारा 300 वर्ष पुराना है ना खुरई का बहेला किला, ये बड़ा फेमस है अगर आप देखोगे तो, 300 वर्ष पुराना है ना खुरई का क्या है, डोहेला किला, डोहेला फोर्ट। कहां है डोहेला फोर्ट? खुरई जिसको मालूम होगा, मंडला, झाबुआ, बैतूल, सागर। डोहेला किला, आपने बहुत सारे किले पढ़े होंगे, आपने देखा होगा मंडला फोर्ट आपको याद है, आपको ग्वालियर फोर्ट भी बनता है, आपको बहुत सारे किले जैसे आपको देखते हैं कि रतनगढ़ का किला बनता है, संबलगढ़ का किला बनता है जो मुरैना में है, रायसेन का दुर्ग है जो रायसेन में है। लेकिन आप ये बताइए डोहेला, डोहेला किला कहां है ये आपको बताना है। डोहेला किला 58 सी आंसर दे रहे हैं, अनामिका सागर लिख रही है ना, सागर, तो शुभ कुमार सी सागर, सागर लिखते हैं ऋचा, ठीक है सागर, रक्षा भी सी, तो आप लोगों ने देख लिया सागर में जाके पहले से है ना, तो डोहेला किला निश्रूप से कहां है, सागर में, सही आंसर है आपका सागर, आपने सही आंसर लिया। आगे बढ़ते जल्दी से, ज्योतिर्लिंग लिखा है, जो ज्योतिर्लिंग महामलेश्वर ममलेश्वर मध्य प्रदेश के किस प्रसिद्ध स्थान पर स्थित है? ममलेश्वर की बात हो रही है, ममलेश्वर ओमकालेश्वर में है, महाकालेश्वर में है, ए और बी दोनों में है, उपरोक्त में से कोई नहीं। ममलेश्वर, ममलेश्वर हम देखेंगे, ममलेश्वर कहां है, ओमकालेश्वर में है ममलेश्वर कि महाकालेश्वर? जल्दी से आंसर देंगे, ये जल्दी से आंसर लिखेंगे, ज्योतिर्लिंग 59 क्वेश्चन को, ज्योतिर्लिंग ममलेश्वर मध्य प्रदेश के किस स्थान पर स्थित है, ओमकालेश्वर में है, महाकालेश्वर में है, या दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं? अनामिका लिखती है ए, ठीक है शुभ लिखते हैं वेरी गुड है ना, अनमोल तिवारी बी लिखते हैं, अंसारी 59 ए लिखते हैं, राजबरन सी लिखते हैं, पूर्णिमा ए लिखती है, ए वेरी गुड ए, शशांक ए लिखते हैं, आकांक्षा ए लिखती है, वर्षा ए लिखती है, अमन पटेल ए लिखते हैं, मंजू ए लिखते हैं, शुभ कुमार ए लिखते हैं, सारिका ए लिखती है, रक्षा ए लिखती है ना, रजनी ए लिखती है, ऋचा भी ए लिखती है, तो मुझे ए में जाने पड़ेगा, ओमकालेश्वर सही, एकदम सही आंसर है, ओमकालेश्वर महाकालेश्वर, ये दो ज्योतिर्लिंग है हमारे पास, और दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है महाकालेश्वर हमारा जो फेमस है। अर्ध ज्योतिर्लिंग बताया था मैंने, संस्कार धानी जबलपुर में है, अर्ध ज्योतिर्लिंग के नाम पर जाना जाता है, अर्ध ज्योतिर्लिंग आपके यहां पास देखेंगे गुप्तेश्वर मंदिर को कहा जाता है, तो आपको ये बहुत अच्छा आंसर अप्रोच कर पा रहे हैं, ठीक है। चलिए जनजाति गौरव दिवस, आपको बहुत अच्छे से मालूम है कि जनजाति गौरव दिवस, जनजाति गौरव दिवस मनाया जाता है, और कब से मनाया गया यह भी लिखना आप लोग, कब से मनाया गया यह भी आपको लिखना है। तो जनजाति गौरव दिवस 12 नवंबर को, 13 नवंबर को, 15 नवंबर को, 14 नवंबर को, तो जनजाति गौरव दिवस कब मनाया जाता है इस बात का ध्यान रखें।
कब है जनजाति गौरव दिवस? सबको मालूम है 1 नवंबर तो हमारा मध्य प्रदेश का दिवस है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश भी बना, हरियाणा भी बना, पंजाब भी बना, चंडीगढ़ भी। 1 नवंबर, 1 नवंबर ही छत्तीसगढ़ बना, तो हम सब 1 नंबर है। 1 नवंबर मध्य प्रदेश भी है, 1 नवंबर छत्तीसगढ़ भी है, 1 नवंबर हरियाणा पंजाब और चंडीगढ़ भी है। तो 1 नवंबर तो हमारा है, सबको मालूम है कि 1 नवंबर मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस है। 14 नवंबर सबको मालूम है बाल दिवस है। 14 नवंबर 1889 में जवाहरलाल नेहरू का जन्म हुआ, तो 14 नवंबर 1889 में जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म हुआ, इसे वो बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। बाल दिवस के रूप में 14 नवंबर सबको मालूम है। अब 15 नवंबर की बात आती है, तो इसका आंसर सभी लोग दिख रहे हैं, इसका आंसर डी है, 15 नवंबर 60 का डी, 15 नवंबर। मैंने कहा था कि 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस कब से मनाना चालू हुआ, जब माननीय प्रधानमंत्री भोपाल आए, जिन्होंने कमलापति रेलवे स्टेशन है ना, हबीबगंज स्टेशन का नाम कमलापति रेलवे स्टेशन किया, उसी समय जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया गया। हम देखते 2022 में जनजाति गौरव दिवस मनाने के लिए माननीय हम देखते के या महामहिम राष्ट्रपति महोदय हमारे कहां आई थी, शहडोल के, कह सकते हैं कि शहडोल के लालपुर में आई थी जनजाति गौरव दिवस मनाने। और लकीली कुछ ऐसा है कि हमारी जो राष्ट्रपति महोदय है वो कहां की रहने वाली, झारखंड की, और झारखंड का गठन ही 15 नवंबर 2000 में हुआ। झारखंड का गठन कब हुआ? 15 नवंबर 2000 में हुआ, और झारखंड के ही रहने वाले हैं, जिनका जन्म 15 नवंबर 1875 में हुआ, जो जनजातियों के भगवान या हम सब उनको भगवान कहते हैं, बिरसा मुंडा, जिन्होंने लगभग हम देखते हैं कि 1893 से लेकर 1900 तक मुंडा आंदोलन किया बिरसा मुंडा जी ने। तो जनजाति गौरव दिवस 15 नवंबर 1875 में जन्म हुआ, हम कह सकते हैं इनका जन्म हुआ है बिरसा मुंडा जी का, जो मुख्यतः झारखंड के रहने वाले हैं, उनकी याद में 15 नवंबर 2000 में हम देखें तो 15 नवंबर 2000 में ही शुरू हुआ। हम कह सकते हैं कि 15 नवंबर 2000 में झारखंड का निर्माण हुआ, और 15 नवंबर 2020 से कह सकते हैं जनजाति गौरव दिवस मनाना शुरू किया हमने भोपाल से। और जनजाति गौरव दिवस मनाने 2022 में हम देखें माननीय राष्ट्रपति महोदया लालपुर शहडोल में आई, और शहडोल में हम देखें 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। तो इस तरह से कह सकते हैं कि 15 नवंबर जनजाति गौरव दिवस है, जो हमारे भोपाल से शुरू हुआ कब, 2020 पर, ठीक है ना। तो इसको याद रखना है, जनजाति गौरव दिवस। सौंदर्य की नदी, सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक एक पुस्तक है, ये किसकी है? मां नर्मदा के बारे में क्या अमृतलाल बेगड़ ने लिखी, आर्यन सक्सेना ने लिखी, एमपी नयन ने लिखी, रघुनंदन शर्मा जी ने लिखी? तो सौंदर्य की नदी नर्मदा नामक पुस्तक लिखी गई किसकी है? अमृतलाल बेगड़ साहब की है, आर्यन सक्सेना की है ना, आर्यन सक्सेना रघुनंदन शर्मा जी की है, एमपी नयन जी की है। आप बताएंगे 61 आंसर का आंसर क्या होगा? आंसर लिख रहे हैं आकांक्षा ए लिख रही है, रक्षा भी ए लिख रही है, अंसारी भी 61, अनमोल भी ए है ना, ठीक है, वर्षा भी ए लिखती है, पूर्णिमा भी ए लिखती है, अलाफिया भी ए लिखती है ना, सुधा भी ए लिखती है, रजनी भी ए लिखती है, वेरी गुड, मंजू भी ए लिखती है, अनामिका भी, ठीक, आकांक्षा भी, रिचा भी, वर्षा भी, नर्मदा है ना, नर्मदा पुत्र, बिल्कुल सही, नर्मदा पुत्र भी कहते हैं उनको, नर्मदा पुत्र है अमृतलाल बेगड़ जी। तो ना तेरे तीरे तीरे भी इनकी किताब है, नर्मदा पुत्र ही अमृतलाल बेगड़ है, और सौंदर्य की नदी नर्मदा इसमें बिल्कुल लिखना चाहिए। और मध्य प्रदेश और गुजरात की लाइफलाइन है नर्मदा, नर्मदा के ऐसे 21-22 नाम मिलेंगे। नर्मदा को अभी सुप्रीम कोर्ट ने, हमने देखा, एक मानव का दर्जा दिया है, मानव जैसे एक मानवीय अधिकार दिए हैं नर्मदा, गंगा और हम कह सकते हैं यमुना को। नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है, विश्व की एकमात्र नदी जिसकी परिक्रमा लोग करते हैं। नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है जो भ्रंश घाटी में लगभग इतना सफर तय करती है। नर्मदा विश्व की एकमात्र नदी है जिसकी भ्रंश घाटी में एक भेड़ाघाट, जो मार्बल रॉक पर बना हुआ भेड़ाघाट वाटरफॉल है, एकमात्र नदी नर्मदा है। नर्मदा एकमात्र नदी है जिसको कहते हैं कि जिसके हम कह सकते हैं कि जिस जो सदा नीरा नदी है, क्या है सदा नीरा नदी, जो वेस्ट की तरफ बहती है। तो आप पढ़ेंगे मां नर्मदा को, नर्मदा को दक्षिण की गंगा कहा है, दक्षिण की गंगा तो गोदावरी को कहते हैं, लेकिन दक्षिण की गंगा स्कंद पुराण में मां नर्मदा को भी कहा गया है। तो दक्षिण की गंगा स्कंद पुराण में, मां रेवा के नाम पर ऋग्वेद में भी नाम आता है रेवा, तो आप रेवा से भी जोड़ सकते हैं, और रेवा से ही नाम पड़ा है रेवा का, रेवा। तो नर्मदा में तो बहुत सारी चर्चाएं हो सकती हैं, अपन देख सकते हैं ना, नर्मदा है ना, तो कितनी सुंदर है, नाम ही कितना प्यारा है,
हरदा कितनी सुंदर है, इसको आप अमृतलाल भेगड़ जी को जोड़ देना। निम्नलिखित में से भोपाल का बेगमो से किस सरकार है ना, किससे सरकार अम्मा के नाम से भी जाना जाता था, किसको? भोपाल की बेगमों में बहुत सारी बेगम है, इसमें सरकार अम्मा के नाम से कौन जाना जाता था? नवाब कुदसिया बेगम, नवाब शाहजहां बेगम, सिकंदर जहां बेगम और कै खुसरो मां जहां बेगम। चलिए से कि अम्मा के निकनेम से, सरकार अम्मा के निकनेम से कौन जाना जाता था, ये अपन को देखना है। नवाब कुदसिया बेगम, नवाब शाहजहां बेगम, सिकंदर शाह बेगम। शाहजहां बेगम वही है जो हम देखते हैं, शाहजहां बेगम जिन्हें ताजुल मस्जिद बनवाई थी, तो ताजुल मस्जिद की निर्माता है शाहजहां बेगम हम देखेंगे। ऐसी कुदसिया बेगम भी इसके लिए जानी जाती है हम देखेंगे। सिकंदर जहां बेगम आप कह सकते हैं, है ना। तो इसका आंसर क्या है, जूही ए लिखती है, मंजू केसरवानी इसका नाम ए लिखती है, सुधा सी लिखती है, नीलम सी लिखती है, आदित्य दुबे ए लिखते हैं, अनामिका ए लिखते हैं, 62 का सी बताते हैं सी के। खुशरो जहां बेगम होना चाहिए आंसर इसका, इसका आंसर डी होना चाहिए। डी तक आप लोग नहीं पहुंच रहे हैं, तो इसका आंसर मुझे लगता है के खुशरो जहां बेगम होना चाहिए। किसका? तो इसका आंसर डी होना चाहिए कि अपन देखेंगे कि डी आंसर होगा। लगभग चेक करना आप लोग, डी आंसर होना चाहिए कि के खुशरो जहां बेगम को बाकी सरकार अम्मा कहते थे, जिससे लोग खुश रहते हैं ना, खुश, जैसे मुझे याद है ना के खुशरो, जिससे खुश होते हैं उसी को अम्मा कहते हैं, दिल से अम्मा उसी को पुकारते हैं जिससे खुश रहते हैं। आंसर सी लिखते हैं, अभी भी पलक पांडे सी लिखते हैं, इसको चेक करके जरूर बताना। पलक पांडे फिर इसको डी लिखती हैं, ठीक है। कह खुशरो जिससे हम खुश हैं, है ना, जिससे हम खुश हैं वही हमारा अम्मा है, अम्मा मतलब जिससे हम खुश हैं, तो अम्मा से जोड़ देना इसको, ठीक है। चलिए आते हैं मध्य प्रदेश की विकास गाथा। मध्य प्रदेश की विकास गाथा, एमपी की विकास गाथा नामक पुस्तक लेखक कौन है? तो मध्य प्रदेश की विकास गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर भी रही है, दूसरी महिला गवर्नर है, सरला अग्रवाल पहली मध्यप्रदेश की गवर्नर थी महिला, फिर आनंदीबेन है, लालजी टंडन ये भी मध्यप्रदेश के गवर्नर रहे हैं, शिवराज सिंह चौहान सबसे लंबा कार्यकाल और वर्तमान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी आप कह सकते हैं, और रघुनंदन शर्मा जी। तो किन्होंने लिखा है आप देखेंगे कि मध्यप्रदेश की विकास गाथा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आनंदीबेन पटेल, लालजी टंडन, शिवराज सिंह पटेल, रघुनंदन शर्मा। तो आप इसका आंसर अप्रोच करेंगे कि मध्यप्रदेश की विकास गाथा, मध्यप्रदेश की विकास गाथा किसकी किताब है? शुभ लिखते हैं सी, शिवराज सिंह पटेल, शिवराज सिंह चौहान जी। आकांक्षा भी सी लिखते हैं, शुभ कुमार भी सी लिखते हैं, अनमोल भी टंडन लिखते हैं, अंसारी 63 डी लिखती है, अलाफिया सिराज मामा, सिराज मामा ठीक है, वर्षा डी लिखती है, और प्रिंस लिखते हैं सी ठीक है, अंकित, अंकित लिखते हैं शर्मा जी ठीक है, है ना, पलक डी, शुभ लिखते हैं सी, सुधा मामा ठीक है, सुधा तो इतनी कॉन्फिडेंस है सीधे मामा लिख दिया, जूही विश्वकर्मा डी, है ना, रजनी यादव यस सर ठीक है ना, शशांक सी लिखते हैं, आदित्य दुबे सी लिखते हैं, रक्षा सी लिखती हैं, ज्यादा लोगों का बहुमत सी की तरफ जा रहा, आकांक्षा वाजपेयी सी लिखती हैं, सारिका सी लिखती हैं, वर्षा सी लिखती हैं, रंजनी गुप्ता, रंजना गुप्ता सी, चश्मा नहीं मेरे पास इसलिए पढ़ने में दिक्कत जाती है ना, तो इसका आंसर सी ही लेना पड़ेगा कि ज्यादातर लोगों ने मामा को लिया है, शिवराज सिंह चौहान जी को, है ना, माना है कि मध्यप्रदेश की जो विकास गाथा है वो निःशुल्क से घर घर सुना रहे हैं, घर घर तक पहुंचाने का प्रयास है मामा जी का कि हमने मध्यप्रदेश को कहां पहुंचाया इस विकास गाथा को। इसी में देखिए प्रसिद्ध कलाकार, प्रसिद्ध कलाकार है, प्रसिद्ध कलाकार डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के। तो रघुनाथ कृष्ण फड़के जो प्रसिद्ध कलाकार हैं किस कला से संबंधित है? तो डॉक्टर रघुनाथ कृष्ण फड़के, तो आप इसको, इसको भी हम पोल करेंगे, संगीत कला से, मूर्ति कला से, नृत्य कला से, काव्य कला से? तो रघुनाथ कृष्ण फड़के, रघुनाथ भगवान राम को कहते हैं और कृष्ण भी है, रघुनाथ भी है, कृष्ण भी है, फड़के हैं, फड़के स्टूडियो हुआ करता था नीमच में, ऐसा कह सकते हैं। तो इस पर पोल में हम देखें कि मूर्तिकला को ज्यादा लोग बोलते हैं कि मूर्तिकला है ना, कि मूर्तिकला को आंसर दे रहे हैं सभी लोग।
संगीत कला कोई भी आंसर नहीं है, नृत्य कला में भी कोई नहीं है, ठीक है। इसका आंसर डी दे रहे हैं कुछ, अच्छा सी बोल रहे हैं, अंसारी अमन भी, अमन पटेल डी, प्रिंस ने भी डी दिया है, अनमोल ने बी लिखा है, अमन पटेल ने ए लिखा है, वर्षा ने बी लिखा है, वर्षा ने 64 का ए लिखा है, है ना, शशांक ने डी लिखा है, अलाफिया ने, है ना, मूर्तिकला ठीक है, शुभ कुमार बी लिखते हैं, जूही विश्वकर्मा बी लिखती है, अंसारी विवेक मार दिया इन्होंने, अंसारी जी ने, ठीक है, रिचा ने बी लिखा है, कृतिका शर्मा, चलो ये भी आ गई है देवी, कृतिका शर्मा जी आ गई है, आकांक्षा शिवर ए लिखती है, पलक बी, ठीक है, तो इसमें कुछ लोग बी, कुछ लोग ए, सारिका भी ए लिखते हैं, आदित्य डी लिखते हैं, तो इसका आंसर बी सही है, जिसमें सब लोगों ने बोला है, क्योंकि पोल हमारा क्या कहता है, 59% लोग कहते हैं, 59% लोग कहते हैं कि आंसर क्या है, बी, तो 59% लोगों के साथ जाना पड़ेगा बी, आंसर बी इसका सही है। आगे बढ़ते हैं, सम्मिलित कीजिए, सबसे अच्छे क्वेश्चन होते हैं सम्मिलित करने में, क्योंकि नॉलेज हमें बहुत सारा मिलता है। तो एक साहित्यकार है एक तरफ, और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं, एक साहित्यकार पद्माकर है, एक साहित्यकार भूषण है, है ना, एक साहित्यकार शरद जोशी है, एक है गजानन माधव मुक्तिबोध। बड़ा मजा आता है इन सबको पढ़ने में, आप एक बार आंसर बताइए, मैं कुछ कुछ इनके बारे में जरूर बताऊंगा आपको। तो पद्माकर है जो पद्मासन में बैठे हुए भगवान विष्णु है, आप उनसे जोड़ के देख सकते हैं। भूषण, भूषण हमेशा लिखते हैं शिवाजी पर और छत्रसाल पर, भूषण की किताबें केंद्रित हैं छत्रसाल और शिवाजी पर। और शरद जोशी तो एक व्यंग्यकार है, व्यंग्य के माध्यम से किताबें लिखेंगे, डायरेक्ट कुछ भी नहीं लिखते। गजानन माधव मुक्तिबोध भी बहुत ही शानदार कविता लिखते हैं, गजानन माधव मुक्तिबोध खंडपीठ भी हमारे पास सागर विश्वविद्यालय, गजानन माधव मुक्तिबोध श्योपुर के रहने वाले हैं, 1917 में श्योपुर में जन्म हुआ है, लेकिन ठीक है। तो इसका आंसर दे रहे हैं, है ना, यासिर अंसारी ए लिखते हैं, अनमोल ए लिखते हैं, है ना, अलाफिया सी लिखते हैं, है ना, वेरी गुड ए, निश्चित अंसारी ठीक है, सी, पूर्णिमा ए, अलाफिया सी, 65 का सी ठीक है, है ना, अश्विनी कुमारी कुर्मी लिखती है ए, ठीक, रक्षा ए ठीक है ना, मूर्तिकला, मूर्तिकला यहां कहा रहा भी ठीक है ना, पलक ए, कृतिका ए, ए पे जाते हैं जरा, ए क्या कहता है, ए तो बहुत लोग दिख रहे हैं, ए में बोला है फर्स्ट का बी, फर्स्ट का बी, गंगा लहरी है ना, गंगा रहली, राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा, तो गंगा लहरी किताब है, क्योंकि मैंने किताबें बहुत अच्छे से पढ़ाई, अगर आपको याद होगा कितनी सारी किताबें याद कराई, उसकी कोई लिमिट नहीं होगी, तो पूरी पूरी किताबें याद कराई है। टू का ए लिखा है, भूषण की किताबें मैंने कहा ना, भूषण तो बस किसमें लिखते हैं, या तो छत्रसाल होगा या तो शिवाजी होगा। फिर शरद जोशी है, तो शरद जोशी को लिखते हैं तीन का सी, तो थ्री का सी है, जीप पे सवार इलिया बड़ा फेमस है ये, और मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा, पूरा गजब का आंसर है ये, बहुत सही, सब लोगों का आंसर है ए। आप में से बताओ इनमें से किसकी किताबें सुननी है, आप मैं उनकी किताबें आपको सुना देता हूं। हम बात करते हैं नीचे से, गजानन माधव मुक्तिबोध, गजानन मतलब गणेश जी, गजानन मतलब क्या है, गणेश जी। तो मैं गणेश जी के बारे में कुछ बोल रहा हूं, कोई बुरा नहीं मानेगा, मैं क्योंकि याद करा रहा हूं। तो हम देखते हैं कि हमारे बड़े पूजनीय है, सबसे पहले पूजा ही गणेश जी की होती है। तो आप देखेंगे कि गजानन माधव मुक्तिबोध को हम कैसे पढ़ते हैं, गजानन माधव मतलब, गजानन मतलब गणेश जी। तब देखते हैं गणेश जी की सूर थोड़ा टेढ़ी होती है, तो देखिए चांद का मुंह टेढ़ा, तो चांद जैसे प्यारे से गणेश जी, उनका मुंह थोड़ा सा टेढ़ा है, तो चांद का मुंह टेढ़ा एक किताब है किसकी, गजानन माधव मुक्तिबोध जी की। आधा उनका देखो हाथी का शरीर लगा है, आधा ब्रह्म का है, एक ब्रह्म राक्षस भी किताब है गजानन माधव। तो गजानन मतलब गणेश जी, जब भी कोई डायरी लिखता है तो सबसे पहले गणेश जी का नाम ओम नमः शिवाय या ओम गणेशाय नमः लिखता है। तो एक साहित्यकार की डायरी गणेश जी की किताब है। जब भी किसी सभ्यता संस्कृति की पूजा होती है तो पहले गणेश जी की पूजा होती है ना, गणेश जी को सबसे पहले रखा जाता है। तो सभ्यता और संस्कृति भी किसकी किताब होगी, गजानन माधव मुक्तिबोध की किताब होगी, ठीक है। और वो जीरो से मेहनत करते हैं, लिख लिख कर मेहनत करते हैं, तो एक साहित्यकार की डायरी भी उन्हीं की किताब है। सतह से उठता हुआ आदमी भी किताब गजानन माधव मुक्तिबोध की। ऐसी शरद जोशी जी को पढ़ेंगे तो शरद जोशी जी घर से निकल जाते हैं और उनके जेब में पैसे नहीं होते, जब पैसे नहीं होते सोचते मैं घर जाऊंगा तो चार लोग कुछ मुझे और सुनाएंगे, घर में सब नाराज होंगे कि हमेशा आप ऐसे ही पर्स भूल के चले जाते हैं। तो शरद जोशी जी निकलते हैं घर से, फिर सोचते हैं फिर किसी बहाने ऐसी चलूंगा और अपनी मंजिल में पहुंचूंगा और वापस आ जाऊंगा। तो फिर किसी बहाने एक किताब है किसकी, शरद जोशी जी की, कि घर से निकले किसी बहाने, ठीक है ना सर, है ना,
फिर से किताब किताब है ना करवा दीजिएगा, ठीक है कराते हैं है ना, स्वास्तिक लिखते हैं कि फिर से करा दीजिए, बिल्कुल करा देंगे। ऋतु लिखती है सर आपने इतना अच्छे से है ना किताबें लर्न करा दी हैं कि भूलने का सवाल ही नहीं है, सही बात है ना। तो मैं बात करूं सर जोशी घर से निकले तो बोले अब घर जाने से बेहतर है कि किसी बहाने में अपना सफर पूरा करूंगा, तो उनकी किताब फिर किसी बहाने, अब फिर किसी बहाने एक राह के किनारे बैठे, बस स्टैंड में नहीं बैठे क्योंकि बस स्टैंड में बस में जाएंगे तो पैसे लगेंगे, पैसे है नहीं जेब में, तो राह किनारे बैठे, तो एक किताब उनकी राह किनारे बैठे, तो क्या है घर से निकले फिर किसी बहाने में अपनी मंजिल तय करके घर आ जाऊंगा, तो एक किताब है फिर किसी बहाने, कहां बैठे हैं राह किनारे बैठे। अब गाड़ियां आती हैं उनको कोई नहीं बैठाता क्योंकि पैसे नहीं उनके जेब में, एक जीप में सवार इलिया वाली गाड़ी आई, उनने पूछा क्यों जोशी जी बैठेंगे, बोले हां मैं बैठूंगा, तो बैठ गए जोशी जी क्योंकि जेब में तो पैसे नहीं है उनको ऐसी गाड़ी में बैठना जो पैसे ना मांगे, तो जीप पे सवार इल्लियों वाली गाड़ी वाले ने रोका उनके मजे लेने के लिए, वो बैठ भी गए, तो जीप वाली इल्ली वाली गाड़ी में बैठ गए, तो जीप पे सवार इल्लियों में बैठ के अब जा रहे हैं जोशी जी, इतने में जो आगे ड्राइवर कंडक्टर बैठे हैं वो उनकी मजे ले रहे, देखो पैसे नहीं है तो इल्लियों के बीच में बैठ के जा रहा है व्यक्ति, तो ये नॉक करके बोलते हैं सुनो सुनो पिछले दिनों की बात है, पिछले दिनों की, तो एक किताब उनकी पिछले दिनों की बात है, वो भी एक किताब है, पिछले दिनों आपने चने का होरा खाया है उसमें इल्लियां खाई हैं, आपने भाजी खाई है चने की उसमें इल्लियां खाई हैं, आपने भाजी के साथ जितनी गोभी खाई है इल्लियां खाई हैं, मैं तो इल्लियों के बीच में बैठा हूं आपने तो इल्लियां खाई हैं, तो फिर मजाक उड़ाने का सवाल नहीं उठता, तो उनको पिछले दिनों की बात सुना दी, ये किताब भी उनकी एक है। फिर एक जगह से दूसरी जगह सफर करके पहुंच गए तो आप कह सकते हैं कि उनका एक पूरा सफर एक जगह से, तो दूसरी सतह पहुंच गए तो दूसरी सतह भी एक किताब है। अब जब लौट कर घर आए तो उनसे पूछा कैसे आए, बोले एक था गधा छोड़ गया, एक था अंधों का हाथी वो छोड़ गया, तो छोटा हाथी जो गाड़ी होती ना उसमें गए थे, तो एक था हाथी एक था गधा छोड़ गया। फिर उनकी वाइफ पूछती है कैसे आ गए, बोले यही तो तिलिस्म है मेरा, यही तो जादू है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं, तो तिलिस्म भी उनकी एक किताब है। तो एक स्टोरी को बनाया और स्टोरी से किताबों को याद कर लिया, और गजानंद की किताबों को गणेश जी को सोचा, गणेश जी की छवि मन में लाई और उनकी संरचना को ध्यान में रखते हुए गजानंद की किताबें याद कर ली। और भूषण का तो कीवर्ड है शिवाजी होंगे या छत्रसाल होंगे, है ना, वीर रस पर लिखते हैं भूषण, पद्माकर मतलब पद्मासन में बैठे हुए भगवान विष्णु से जुड़े हैं, इनको हमेशा याद हो जाएगी आपको, है ना। ठीक, नौरादेही अभ्यारण्य स्थित है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन अभी होगा है कि नौरादेही अभ्यारण्य को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है काफी, नौरादेही अभ्यारण्य कहां है, स्थित कहां है, क्योंकि 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये हम देखते हैं, तीन तीन जिलों को कवर करता है, कितने जिलों को, तीन। तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभ्यारण्य है, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, और अभी और खुशी की बात है कि 29 जुलाई टाइगर डे के दिन 29 जुलाई 2023 में एक न्यू टाइगर रिजर्व के रूप में शुरू किया गया है। तो नौरादेही और रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को, रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दमोह में है और नौरादेही दमोह सागर और नरसिंहपुर, दमोह सागर और नरसिंहपुर तीन जिले को टच करता है नौरादेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, जो 1194 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, यह याद रखना। और 29 जुलाई जो टाइगर डे होता है, क्योंकि 29 जुलाई 2010 में सेंट पीटर्सबर्ग में टाइगर कॉन्फ्रेंस हुआ था, इसलिए 29 जुलाई को हम टाइगर डे मनाते हैं। तो 29 जुलाई 2023 में यहां एक न्यू टाइगर रिजर्व शुरू हुआ है, ये कह सकते हैं न्यू टाइगर रिजर्व है, जो रानी दुर्गावती और नौरादेही में संयुक्त रूप से शुरू हुआ है, ये कह सकते हैं। तो एक हमारा अभ्यारण्य जिसमें टाइगर था रातापानी रायसेन, और ये दूसरा अभ्यारण्य जिसमें टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत हो रही। टाइगर तो वैसे कई नेशनल पार्क में छोड़े गए हैं, आने वाले भविष्य में टाइगर प्रोजेक्ट बढ़ेंगे। मैंने कहा था मध्यप्रदेश एक टाइगर स्टेट है, और सबसे ज्यादा टाइगर मैंने कहा था कल 135 टाइगर हमने देखा था कहां बांधवगढ़ में, 105 मैंने कान्हा की बात की थी, और 77 की बात की थी मैंने, टाइगर कहां है 77 टाइगर है, आप लिख के ठीक है ना, दुर्गावली प्रोजेक्ट ठीक है, कितने टाइगर है मध्यप्रदेश में जरूर लिखें, बताएं टोटल टाइगर भारत में कितने हैं, मध्य प्रदेश में कितने हैं, लिखकर बताएं मुझे ना, टाइगर तो काफी अच्छे से पढ़ाया है तो आप देख सकते हैं ठीक है। तो इसका आंसर है सागर, लेकिन तीन जिले इसमें सागर दमोह और नरसिंहपुर। निम्नलिखित कौन सा सही सुमिलित है पूछा है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको यह ढूंढना है या नहीं, रानी दुर्गावती संग्रहालय जबलपुर, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, बिरला संग्रहालय भोपाल, सभी सम्मिलित हैं या नहीं। तो आंसर क्या है इसका,
ए बी सी डी। एमपी में 785 टाइगर है, 785 गुड, वेरी गुड, ठीक है, हम कह सकते हैं कि 785 टाइगर मध्य प्रदेश में है, ये कह सकते हैं। भारत में कितने टाइगर है टोटल, भारत में तो 785 तो है ही। तो अनमोल लिखते हैं इसका आंसर ए, रानी दुर्गवती संग्रहालय जबलपुर। मैंने कहा ना इसमें पूछा है, इसी में गलती होती है हमारी, है पूछा है। तो रानी दुर्गवती संग्रहालय जबलपुर में है क्या, बादल भोई छिंदवाड़ा में है क्या, बिरला भोपाल में है क्या, सभी सम्मिलित है या इसमें से कोई एक। रक्षा डी लिखती है, मंजू डी लिखती है, अनामिका डी लिखती है, ठीक है ना, ठीक है। नमस्ते सर जी, है ना, वंदना मिश्रा, वंदना मिश्रा भी जुड़ गई है, ठीक है, नमस्ते नमस्ते। ऋचा जुड़ गई है, आकांक्षा डी, है ना, कृतिका शर्मा डी, कृतिका को एग्जाम नहीं देना, इसके बाद ये आंसर सही बना रही है कृतिका। आकांक्षा डी, ठीक है ना। सारिका गुप्ता लिखती है 67 का डी, गुड। पूर्णिमा लोधी भी डी लिखती है, ठीक है। तो आंसर पलक डी, जूही विश्वकर्मा डी, है ना, रंजना गुप्ता 67 का ए बताती है, रानी दुर्गावती संग्रहालय, ठीक है। तो रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर में 1957 में बना, तो रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी जबलपुर में, याद रखना रानी दुर्गावती यूनिवर्सिटी 1957 जबलपुर। और रानी दुर्गावती म्यूजियम भी जबलपुर में है, भंवरताल के पास पड़ता है रानी दुर्गावती म्यूजियम। रानी दुर्गावती टेम्पल, रानी दुर्गावती मंदिर नरसिंहपुर में है। रानी दुर्गावती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अभ्यारण दमोह में, तो रानी दुर्गावती अभ्यारण दमोह, रानी दुर्गावती मंदिर नरसिंहपुर हम कहेंगे, और रानी दुर्गावती संग्रहालय, रानी दुर्गावती समाधि, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय, ये तीनों के तीनों कहां मिलेंगे आपको, जबलपुर में। तो पहला सही है, बादल भोई आदिवासी संग्रहालय छिंदवाड़ा, बड़ा फेमस है आदिवासी केंद्र, पहले छिंदवाड़ा ही हुआ करता था, अब इसका एक सेंटर भोपाल चला गया, बादल भोई बहुत फेमस है। बिरला मंदिर भी और बिरला संग्रहालय भोपाल में ही है, मतलब तीनों सही है, आंसर डी हमारा। निम्नलिखित में से कौन बुंदेली लेखक नहीं है, कौन बुंदेली लेखक राइटर नहीं है, गंगाधर व्यास, जगनिक, ईश्वरी महाराजा विश्वनाथ सिंह, या जगनिक या ईश्वरी या गंगाधर व्यास। 68 का आंसर जल्दी से करें, बुंदेली लेखक नहीं है, आप पोल में आंसर करें कि क्या आंसर होगा, कि कौन इसका, है ना, कौन नहीं है, आप बताएं। कुछ लोग ईश्वरी की तरफ जा रहे हैं, मतलब विश्वनाथ की तरफ जा रहे हैं कुछ लोग, विश्वनाथ सिंह, ठीक है ना। आपका इसका आंसर क्या होगा, अच्छा विश्वनाथ की तरफ पोल हो रहा है, डी अलाफिया डी लिखती है, अलाफिया, ठीक है, शशांक डी लिखते हैं, ठीक है, डी अनामिका ए, नीलम डी, ऋतु डी लिखती है, वर्षा 68 का सी, आकांक्षा सी, अलाफिया डी, रक्षा डी लिखती है, आदित्य डी लिखते हैं, है ना, प्रिंस 60 सी लिखते हैं, डी है पलक का सी, वर्षा सी, मयंक, माया, माया डी लिखती है, सुधा डी, है ना, ऋचा डी लिखती है, सारिका डी लिखती है, ठीक है, आकांक्षा डी लिखती है, वर्षा डी लिखती है। तो फिर तो क्या है, 52% पहुंच चुका है ये, वर्षा बघेल लिखती है, वर्षा बघेल 68 सी, है ना, अश्विनी, है ना, कुर्मी लिखती है डी, रंजना गुप्ता, चलिए वेरी गुड। तो ये परसेंटेज आ गया है कि महाराजा विश्वनाथ को 51% लोगों ने वोटिंग की कुछ लोगों ने, और 47% ईश्वरी को लिखा है, पोल ये कहता है, कह सकते हैं। तो इसमें आंसर है विश्वनाथ सिंह, ठीक है, बुंदेली लेखक है। जगनिक तो सब जानते हैं जगनिक के बारे में, कि जगनिक ने, वहां के लोक साहित्यकार हैं जगनिक, जो परमादिदेव जिसको हम परिमल कहते हैं, तो चंदेल शासक परमादिदेव के दरबार में थे जगनिक, जिन्होंने आलाखंड और परिमल रास्तों जैसे बड़े साहित्यकारों की रचना की। आलाखंड में 52 युद्धों का वर्णन है, जिसमें आला उदल की वीरता और साहस का परिचय मिलता है, और जगनिक जो परिमल रास्तों लिखते हैं इसमें वो भी वर्णन है। जब 1182 में 1182 में चंदेलों पर आक्रमण पृथ्वीराज चौहान थर्ड राय पिथौरा ने किया था, पृथ्वीराज चौहान राय पिथौरा जो दिल्ली और अजमेर के शासक हैं, जिनके समय में उत्तर पश्चिम भारत में मोहम्मद गौरी ने 1191 में बैटल ऑफ पानीपत फर्स्ट लड़ा, और 1192 तराइन सेकेंड लड़ा। तो 1191 लास्ट में एक है, तो पानीपत सॉरी तराइन फर्स्ट है, तो बैटल ऑफ तराइन 1191 और बैटल ऑफ तराइन सेकेंड आएगा, तो लास्ट में टू होगा, तो 1192 चंदावर लड़ा 1194। तो ये वही है पृथ्वीराज चौहान, जिनके दरबार में हम देखते हैं कि चंद्रवरदाई थे जिन्होंने पृथ्वीराज रासो लिखा, वही परिमल के दरबार में जगनिक है जो लिखते हैं क्या, परिमल रासो लिखते हैं और आलाखंड लिखते हैं।
आलाखंड वीरस पर लिखा हुआ 52 युद्धों का वर्णन है अलाउद्दीन का। और इसी समय जब बताया था कि 1182 में बड़ी आक्रमण करता है पृथ्वीराज चौहान कहां पर चंदेलों पर, तो बड़ी वीरता और साहस से लड़ते हैं अलाउद्दीन। वही ईश्वरी पूरे बुंदेलखंड में फाग के रूप में जाने जाते हैं, ईश्वरी की फाग बड़ी फेमस है। ऐसे गंगाधर व्यास भी अपने वहां के लोक साहित्य के लिए जाने जाते हैं। भास्कर भट्ट, हम कह सकते हैं कि भास्कर जो भट्ट हैं, विद्यापति की उपाधि प्रदान की गई थी राजा भोज द्वारा। भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि राजा भोज के द्वारा, उपेंद्र के द्वारा या सीएक के द्वारा, यशोवर्मन के द्वारा भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? जल्दी से आंसर करेंगे, भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने दी? राजा भोज द्वारा, उपेंद्र द्वारा, किसके द्वारा दी? भास्कर भट्ट को विद्यापति की उपाधि किसने की? राजा भोज के बारे में 93% लोग दे रहे हैं, 93% मतलब माया भी लिखती है राजा भोज, नीलम भी है, माया भी है, अनमोल भी है, आकांक्षा भी है, अलाफिया भी है, सारी भी है, राजा भोज ए, गौरव भी है, अनमोल, ऋतु ए, अनामिका ए, शशांक ए, मंजू भी है, सब लोग 92% लोगों का पोल है। वर्षा, वर्षा बघेल भी लिखती है, प्रिंस भी लिखते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इंडिया में टाइगर बता रहे हैं प्रिंस, वेरी गुड, 3167 है ना, 3167 टाइगर है। मैं कल फिर पूछूंगा प्रिंस, तुमको याद रहता है कि तुम कहीं ऐसा तो नहीं इसको देखकर बता रहे हो, ठीक है। चलिए आदित्य ए लिखते हैं, है ना, यासिर अंसारी, राजा भोज। राजा भोज का कार्यकाल क्या है? राजा भोज 1000 से, हम देखते हैं राजा भोज 1000 से 1055 तक रूल करते हैं। राजा भोज खुद बहुत बड़े विद्वान हैं, उन्हें अनेक किताबें लिखी हैं, आयुर्वेद सर्वस्व उनकी बड़ी किताब है, सरस्वती कंठाभरण एक किताब बड़ी फेमस है उनकी, एक उन्हें सम्रांग सूत्र अलंकार जो स्थापत्य कला की बड़ी महान किताब है, सम्रांग सूत्र अलंकार वो भी उनकी है। वही मैंने बताया कि संगीत प्रकाश जैसी किताबें भी लिखी उनने, वही राजा मार्तंड करके किताबें भी लिखी, तो उनकी बड़ी किताबें हैं, हर क्षेत्र में अनेकों किताबों के रचनाकार हैं। कहते हैं उनके दरबार में 500 विद्वान रहते थे। ये 500 विद्वान की जानकारी देने वाली अकबर के समय की किताब है, अकबरनामा, जिसका एक पार्ट आईने अकबरी है। अकबरनामा या आईने अकबरी बताती है कि राजा भोज के दरबार में 500 विद्वान रहते थे और 500 विद्वान उसके दरबार की शोभा बनाते थे। न केवल जब राजा भोज का स्वर्गवास होता है तो कहते हैं कि विद्या और विद्वान दोनों निराश्रित हो गए, अधधारा निराधारा निरालंबा सरस्वती, ऐसा कहा जाता है। उन्होंने एक संस्कृत महाविद्यालय भी बनाया और वाग देवी की प्रतिमा और उनका मंदिर भी स्थापित किया, एक भोजशाला भी बनाई धार में, भोजशाला तो कि भोजपुर मंदिर उन्होंने रायसेन में बनाया, जिसको हम पूर्व का सोमनाथ कहते हैं, सबसे बड़ा शिवलिंग है, और वहां पर हम देखते हैं शिवलिंग संग्रहालय भी स्थापित किया गया। जबकि भोजपुर सिटी हम कह सकते हैं कि भोपाल में है, भोजपुर फिल्म सिटी जो भोपाल में बन रही है, भोजताल जो भोपाल का सबसे बड़ा तालाब है मध्य प्रदेश का, जो एक वेटलैंड भी है 2002 में शामिल किया गया, वो भी राजा भोज ने बनाया। तो राजा भोज से इन सब चीजों को जोड़ के देख सकते हैं। राजा भोज बड़े साहसी थे, उन्होंने चंदेल शासकों से जरूर राजा भोज हार गए, लेकिन उन्हें चालुक्य शासक या कलचुरी शासक को पहले चरण के इतिहास में हराया है। दूसरे चरण के इतिहास में हम देखते हैं कि राजा जो भीम है चंदेल शासक, या हम बात कर सकते हैं कि जो कलचुरी शासक है, उन्होंने आपस में अलायंस बनाया और अलायंस बनाकर राजा भोज पर आक्रमण किया और राजा भोज को ना हत्या कर दी या धारा नगरी को लूट लिया, ऐसा कह सकते हैं। तो राजा भोज के विद्यापति की उपाधि भास्कर भट्ट को दी थी, काफी महत्वपूर्ण है ना। चलिए, है ना, राजा भोज धारा दी गई, ठीक है, भोजताल ठीक है ना, रामसर साइड में भोजताल 2002 में रामसर साइड में आया, वर्षा 2002 में रामसर साइड में शामिल किया गया 2002 में, क्योंकि इसके बाद हम वेटलैंड पढ़ते जो शंख सागर है, शिवपुरी वाला 2022 है, यशवंत सागर भी 2022 है, और हम कह सकते हैं कि सिरपुर सागर भी इंदौर वाला 2022 है। टिक, गुड। एक हम इस पर एक क्वेश्चन और ले सकते हैं, निम्नलिखित में से किसका संबंध अमझेरा रियासत से है? अमझेरा रियासत की जब मैं बात करता हूं, अमझेरा रियासत से कौन जुड़ा हुआ है? अमझेरा, बख्तावर सिंह, दौलत सिंह, उमराव सिंह और उपरोक्त सभी। तो बख्तावर सिंह अमझेरा रियासत से कौन जुड़ा है? बख्तावर सिंह, दौलत सिंह,
उमराव सिंह और उपरोक्त सभी। जल्दी से आंसर करेंगे हम, देखेंगे पोल में लोग बख्तावर सिंह की तरफ जा रहे हैं, बख्तावर सिंह की तरफ ज्यादा वोटिंग हो रही है, ये कह सकते हैं कि बख्तावर सिंह की तरफ। तो अमझेरा जो रियासत है, अमझेरा रियासत कहां थी जरा ये बताएं लोग, लिखकर बताएं कि अमझेरा। अनामिका भी ये लिखती है, पलक पांडे भी ये लिखती है, शशांक भी 70 का बी बता रहे हैं, या वर्षा पुरोहित, हम देखेंगे 70 का बी, वर्षा ए भी है ना, रंजना गुप्ता ए, ठीक है ना, पलक भी ए, आदित्य दुबे ए, ठीक है, अंसारी 70 का ए, मंजू केसरवानी ए, सारिका गुप्ता ए, गौरव है ना सपुरिया ए, ठीक है ना, निशत अंसारी ए बताती है, माया ए बताती है ना। चलिए, ये रियासत कहां थी बताना है, अमझेरा रियासत कहां थी, अमझेरा ये कहा कि धार की, अवनी कुमारी धार, ठीक है ना, बख्तावर सिंह, वेरी गुड। तो मैं बात कर रहा हूं इसका आंसर जो सभी लोग अपने पोल में 90% लोग बख्तावर सिंह दे रहे हैं, तो इसका आंसर 90% सही है, तो बिल्कुल निश्चित रूप से मैं आपके बहुमत के साथ जाता हूं और आंसर सही है, क्योंकि जो सही है उसको मैं भी नहीं नकार सकता, जो सही है तो सही है। तो निश्चित रूप से आप लोग जो मेहनत कर रहे हैं ना, और आंसर लेना है एक क्वेश्चन एक और, चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और आगे बढ़ते हैं है ना। चलो ठीक है, बादल महल दरवाजा अवस्थित है चंदेरी में, निवाड़ी में, दमोह में और रतलाम में, बादल महल, बादल महल बताएं जल्दी से, बादल महल कहां है, तो बादल महल आपको जल्दी से मिल जाएगा, बादल महल कहां है, चंदेरी में है या निवाड़ी में है, दमोह में है, रतलाम में, बादल महल, जल्दी आंसर करें, अपन थोड़ा सा स्पीड लेते हैं। बादल महल, बादल महल कहां है जल्दी बताएं, बादल महल दरवाजा, बादल महल डोल, ये बादल पैलेस टूर का है, तो इसमें क्या पोल है आप लोग का, बादल महल दरवाजा कहां है, सुधा लिखती है, यस सर, ऋचा धार बताती है इसको, ठीक है धार, धार मैं पूछ रहा हूं, बादल महल दरवाजा अवस्थित है चंदेरी में, निमाड़ी में, दमोह में, रतलाम में, बादल महल, पलक लिखती है ए, 71 का ए में लिखती है, नीलम में लिखती है, अंसारी ए लिखती है, वेरी गुड, सब लोग ए देते हैं, 95% लोग ए जा रहे हैं, उसका आंसर चंदेरी, चंदेरी हम कह सकते हैं, चंदेरी कहां आता है, अशोकनगर, तो अशोकनगर में हम चंदेरी को आंसर लेते हैं, चंदेरी सही है, लेकिन लोगों का आंसर यही है। हम 72 आंसर लेते हैं, महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहां था, महार रेजिमेंट, महान रेजिमेंट का जो मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां था, सागर में था, रीवा में था, रतलाम में था, बालाघाट, महार रेजिमेंट, महार रेजिमेंट महार जाति से थे, अंबेडकर साहब, अंबेडकर जी जिनको भारतीय संविधान का निर्माता कहते हैं, जिनका जन्म दिन जो आता है 14 अप्रैल को समता दिवस या इक्विटी डे के रूप में, समानता दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 14 अप्रैल 1891 में 1891 में उनका जन्म हुआ था कहां, मऊ में, जो आज अंबेडकर नगर है, और 1990 में भारत रत्न से भी नवाजा गया, तो महार जाति से ही थे, महार रेजिमेंट, इसलिए पूछ रहा हूं कि महार रेजिमेंट का मुख्यालय कहां था, सागर में, रीवा में, रतलाम में, बालाघाट में। तो 72 का आंसर दे रहे हैं ए, ठीक है ना, ए आंसर है ना, अंसारी 72 का ए लिखते हैं, ऋतु ए लिखती है, ऋतु आंसर लिखती है, वेरी गुड, प्रिंस भी ए लिखते हैं, ठीक है ना, रक्षा भी ए लिखती है, सुधा भी, सागर ए, सागर ए लिखते हैं, महार रेजिमेंट, ठीक है ना, ठीक है, ठीक है, अंसारी 72 का ए लिखते हैं, पलक भी ए लिखती है, सागर लिखते हैं, वेरी गुड, माया, माया भी सागर, वर्षा भी सागर, ठीक है ना, जूही भी सागर लिखती है, अंजलि भी है ना, यासिर भी ए, मंजू सब लगभग 58% ए में जा रहे हैं, ये कह सकते हैं कि 72 का ए होगा, ठीक है। 73 अगर हम लिखें, ओलिकर वंश, ओलिकर वंश का संबंध किससे है, मंदसौर से है, सतना से है, खंडवा से है, मंडला से, ओलिकर वंश जल्दी से आंसर देंगे, ओलिकर वंश किससे है, कि ओलिकर वंश 73 का आंसर देना है आपको, ओलिकर वंश का संबंध किससे है, मंदसौर से है, सतना से है, मंडला से है, खंडवा से, ओलिकर वंश, तो ओलिकर वंश आंसर आपका ए मंदसौर है, कि बी सतना है, कि सी मंडला है, कि डी खंडवा है, ओलिकर वंश। तो ओलिकर डायनेस्टी का जो संबंध है किससे है, जल्दी से आंसर करेंगे, ओलिकर वंश, क्योंकि महार रेजिमेंट में तो 60% गए थे सागर में और 40% रीवा में गए थे, जो पोल का सर्वे हमारा ये कहता है, 60% के साथ मैं भी था है ना, 72 मैं 73 का आंसर की बात कर रहा हूं। वर्षा पटेल ए बताती है मंदसौर, वेरी गुड, वर्षा ने ए बोला है, मंजू ने भी ए बोला है, और प्रिंस पटेल बी बताते हैं सतना, और वर्षा बघेल है ना मंदसौर लिखती है, अनमोल भी मंदसौर लिखते हैं,
नीलंबी 73 का ए देती है, सुधा भी ए देती है, गौरव भी ए आंसर दे रहे हैं, आदित्य बी लिखते हैं, आदित्य बी मतलब सपना लिखते हैं, ठीक है, आकांक्षा ए, ठीक है, अंजलि ए लिखती है, मंदसौर रक्षा भी ये लिखती है, सारिका ये लिखती है, मंजू भी, मंजू ने आंसर को डिलीट कर दिया, मंजू केसरवानी ने, निश्चित अंसारी ने ए लिखा है ना, फिर 73 का ये लिखा है, माया ने भी 73 का ये लिखा है, जूही ने गजब वेरी गुड शानदार, इसका आंसर है मंदसौर। अच्छे क्वेश्चन है, क्वेश्चन का स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आप लोग बहुत अच्छा आंसर सॉल्व कर रहे हैं, मुझे बड़ी खुशी हो रही है आपके आंसर को सॉल्व करने से। हम लास्ट दो क्वेश्चन और लेंगे, 75 तक सॉल्व करेंगे। एलेक्जेंडर करिंदम द्वारा भरूत की स्थिति, आपने देखा था कि एलेक्जेंडर करिंदम, जिनको फादर ऑफ आर्कियोलॉजी कहते हैं, पुरातत्व विज्ञान का जनक कहते हैं एलेक्जेंडर करिंदम को, तो पुरातत्व विज्ञान के जनक है एलेक्जेंडर करिंदम, और पुरातात्विक एक पार्क बन रहा है सिंग्रामपुर दमो में, भारत का पहला पुरातात्विक पार्क बनेगा सिंग्रामपुर कहां, दमो में, तो एलेक्जेंडर करिंदम से जुड़ा हुआ भरूत स्तूप में स्थित बौद्ध स्तूप की खोज उन्होंने कब की थी, जल्दी से आंसर आपको ईयर के साथ लिखना है, 1873, 1880 में या 1879 में, 1863 में, मैं आपको बता दूं 1818 में, जब तक मैं आपको जानकारी देता हूं तब तक आप इसका आंसर दीजिए, क्या आंसर, एलेक्जेंडर करिंदम ने भरूत की खोज कब की थी, भरूत मुख्यतः सतना में है, सतना में भरूत स्तूप है, और भरूत स्तूप जब उसकी ग्रिल टूट जाती है तो पुष्पित सुंग नाम के व्यक्ति है, जो सुंग डायनेस्टी के फाउंडर है पुष्पित सुंग ने उसमें पत्थर की ग्रिल लगाई थी, और भरूत स्तूप में भी पत्थर की ग्रिल और सांची स्तूप में भी पत्थर की ग्रिल, स्तूप मुख्यतः मध्य प्रदेश में 11 स्तूप है, जिनमें दो ग्रेट स्तूप है, दो ग्रेट स्तूप में एक आता है सांची स्तूप और दूसरा ग्रेट स्तूप में आता है, हम देखिए वेस्ट टेकरी उज्जैन का स्तूप आता है, उज्जैन का वेस्ट टेकरी स्तूप आता है, हम ये देख सकते हैं, और वो रानी का स्तूप भी कहलाता है। स्तूप मुख्यतः चार प्रकार के होते हैं, वो स्तूप जहां किसी के फॉसिल्स रखे होते हैं, वो स्तूप जहां उनके किसी उपभोगिक चीजें रखी होती है, तीसरा वो स्तूप जो उद्देशिका के आधार पर होता है, चौथा स्तूप वो जो पूजार्थक बनाए जाते हैं वो स्तूप होते हैं। तो 11 वर्ष तक अशोक ने यहां एक राजकुमार के रूप में या राज्यपाल के रूप में अवंती का शासक था, तो टोटल 11 स्तूप हमारे यहां मिलते हैं ये कह सकते हैं। और जनरल टेलर और मेजर कोल ने 1818 में सांची स्तूप की खोज की, और मैगजीन लोग आंसर दे रहे हैं 1873, तो 1873 में भरूत स्तूप की खोज की है एलेक्जेंडर करिंदम साहब ने, और एलेक्जेंडर करिंदम को ही हम फादर ऑफ आर्कियोलॉजी पुरातत्व विज्ञान के जनक कहते हैं, और पुरातात्विक पार्क सिंग्रामपुर दमो में बनाया जा रहा है, ये जानकारियां भी इकट्ठा करना है। तो बहुत ही शानदार है आप सब लोग, लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं अपन लोग, कि लास्ट क्वेश्चन में आपसे एक बार चर्चा हो जाए, निम्नलिखित से में से किसका नाम बदलकर माखन नगर कर दिया गया है, माखन नगर कर दिया गया है, जल्दी से आंसर देंगे, दतिया का, बाबई का, सीहोर का, महेश्वर का, दतिया, बाबई, महेश्वर, सीहोर, माखन नगर कर दिया गया, माखन नगर, माखनलाल चतुर्वेदी, जिनको एक भारतीय साहित्य की आत्मा कहा जाता है, माखनलाल चतुर्वेदी जो न केवल पत्रकारिता के क्षेत्र में कर्मवीर और प्रभा जैसे चीजों को संपादित करते थे, कर्मवीर उनका इतना फेमस पेपर था कि कर्मवीर को संपादित करने के लिए 1921 में खंडवा से संस्कारधानी जबलपुर भेजा था सुभद्रा कुमारी चौहान को, किसको, कर्मवीर को संपादित करने के लिए, तो पत्रकारिता के जनक कहलाते हैं, मध्य प्रदेश में पत्रकारिता के जनक है माखनलाल चतुर्वेदी जी, इसे पत्रकारिता विश्वविद्यालय माखनलाल चतुर्वेदी जी के नाम पर 1991 में बनाया गया, यह भी ध्यान रखें, और नागार्जुन युद्ध जैसे उनकी बड़ी महान रचनाएं हैं, पुष्प की अभिलाषा, मुझे तोड़ लेना वनवाली, उस पथ पर तू देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाए जिस पे जाएं वीर अनेक, ऐसी उन्होंने कविता लिखी थी, कहां से, बिलासपुर जेल पे लिखी थी वो, है ना, समय के पांव पांव भी आप देखेंगे उनके, या गरीब इरादे अमीर इरादे ऐसी रचनाएं हैं, हिमकरण, हिम तरंगणी और हिम किरीटनी, हिम तरंगणी को तो उनको राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला, हिम तरंगणी को, तो हिमकरण, किरीटनी और हिम तरंगणी जैसी रचनाएं भी उनकी बड़ी फेमस है। तो बाबई नर्मदापुरम, जिसको हम होशंगाबाद कहते थे, नर्मदापुरम की एक जगह है बाबई, बाबई में 4 अप्रैल 1889, 4 अप्रैल 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी जी का जन्म हुआ, तो 4 अप्रैल, हम 4 अप्रैल 1889 में माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म बाबई में हुआ, इसलिए बाबई का नाम माखन नगर हो गया है ये कह सकते हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी कर्म भूमि बनाई थी, कर्म भूमि किसको बनाया था, खंडवा को, तो खंडवा में माखनलाल चतुर्वेदी जी से जुड़ा बहुत सारा जानकारी वहां से मिलती है, क्योंकि उन्होंने कसाई खाना एक मूवमेंट चलाया था, कसाई खाना मूवमेंट था 1920 में उनका, कहां, सागर से, तो पूरे मध्य प्रदेश की स्वतंत्र आंदोलन की अलग जगाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी को याद किया जाता है, और उनकी सबसे महान रचना है वह हिम तरंगणी, जिसपे उनको साहित्य पुरस्कार से भी नवाजा गया, ये याद रखना है आपको। तो इस तरह से पढ़ते रहेंगे अपन, बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत अच्छा करेंगे। मैं आप लोगों से एक निवेदन करता हूं कि आप सब लोग से एक मेरा रिक्वेस्ट है कि अब अपना एग्जाम बहुत पास में आ गया है, तो आप प्रॉपर शेड्यूल बनाकर पढ़ाई करें। सबसे अच्छा ये मैंने कहा था कि आपकी शेड्यूल लगभग 3 से 4 बिंदुओं पर आधारित होना चाहिए। नंबर वन,
आपका जो बैकग्राउंड सब्जेक्ट है, मैंने कहा था बैकग्राउंड सब्जेक्ट जिसमें आपने या तो बीएससी किया होगा या तो एमएससी किया होगा या बीकॉम किया होगा या बीए किया होगा, कुछ ना कुछ सब्जेक्ट जो आपका ग्रेजुएशन में था जिसको आपने 10th से तब 11th से लेकर फाइनल ईयर तक पढ़ाए, लगभग आपने 5 साल पढ़ाए, उस सब्जेक्ट में जो भी आपको अच्छा लगता है उसको रोज 1 घंटे पढ़ें, आपका काफी अच्छा तैयार हो जाएगा। तो एक बैकग्राउंड सब्जेक्ट जो आपके लिए सबसे सरल है, एक बार रीडिंग में आपसे बनता है, उसको पढ़ें और पढ़कर उसके क्वेश्चन सॉल्व करते हुए जो चीज नहीं बनती उसकी डायरी बनाते हुए आगे बढ़ें, नंबर वन। नंबर टू रणनीति वो हो सकती है कि सबसे सरल सब्जेक्ट होता है मध्य प्रदेश, एक बार हम मध्य प्रदेश पढ़ते हैं तो हमसे बनता है, तो 1 घंटे का समय मध्य प्रदेश के शेड्यूल पर भी रखें, मध्य प्रदेश को पढ़ें। तीसरा वो सब्जेक्ट जो आपने कभी पढ़ लिया है किसी कोचिंग से, किसी नोट्स से या किसी वीडियो के थ्रू, जिसको पढ़कर आपको अब समझ में आ गया है, उसको एक निश्चित टाइम देकर उसको शेड्यूलिंग करें। तो वो सब्जेक्ट जो एकदम सरल है जिनको एक बार पढ़ के, वो आपका बैकग्राउंड सब्जेक्ट हो सकता है, वो आपका एमपी हो सकता है, और वो आपका पढ़ा हुआ सब्जेक्ट या देखा हुआ वीडियो या क्लास किया हुआ सब्जेक्ट हो सकता है, उनको टाइम दें। चौथी रणनीति का पार्ट आपका हो सकता है कि चौथी रणनीति का पार्ट आप किसको बनाएं, आप करंट इवेंट्स को बनाएं कि जो करंट आपको अच्छा लगता है, इंटरनेशनल पढ़ना, नेशनल पढ़ना, स्पोर्ट्स पढ़ना, ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना, कुछ ना कुछ तो हम तैयारी करते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा लगता है, उनको पढ़ना स्टार्ट करिए। तो ये चार चीजें आप सेल्फ स्टडी से कर सकते हैं। पांचवा मैंने कहा था कि पांचवा आपका स्टेप होना चाहिए, जो चीज हमको नहीं बनती उसके लिए हम वेट करें कि उसकी क्लास करें, ऑनलाइन क्लासेस हो सकता है, कोई वीडियो हो सकता है, कोई अच्छा लिटरेचर हो सकता है, कोई स्टोरी हो सकती है, जब हम क्लास करेंगे उस टॉपिक को फिर पढ़ेंगे तो टॉपिक पढ़ने में आसान लगता है, अच्छा लगता है और हम उस पर भी अच्छा स्कोर करते हैं। तो कहीं ना कहीं अब एग्जाम को आपको प्लानिंग से चलना चाहिए, रणनीति से चलना चाहिए। आपका स्कोर देखकर, आपके आंसर देखकर मैं बड़ा खुश हूँ, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि आपकी आंसरिंग बहुत अच्छी है, लगभग सभी क्वेश्चन के आंसर आप अच्छा देते हैं। तो निश्चित रूप से आपकी प्रैक्टिस, आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी जबरदस्त होगी, आपने अध्ययन बहुत अच्छे से किया है, उसका परिणाम है कि आप बहुत अच्छे आंसर दे रहे हैं। इस बात से मैं बहुत खुश होता हूँ कि आप बहुत ही जल्दी और अच्छा आंसर देते हैं। लेकिन साथ ही हमें ये ध्यान रखना है कि हम क्वेश्चन सॉल्व करते समय इस बात का ध्यान रखें कि यदि हमारा कोई कॉमन क्वेश्चन गलत हो रहा है या कोई कोड हमें भूल रहा है, कोई ट्रिक हमें भूल रहा है, तो उसको लास्ट में एक डायरी जरूर बनाएं, 100 डायरी जरूर बनाएं। हम मैंने पढ़ने के कुछ स्टेप बताए थे कि सबसे पहले हम सिलेबस देखते हैं, फिर प्रीवियस क्वेश्चन देखते हैं, फिर हम स्टडी करते हैं, स्टडी करने के बाद हम नोट्स बनाते हैं, नोट्स के बाद हम प्रैक्टिस पेपर लगाते हैं। प्रैक्टिस पेपर लगाते समय वो हमने पढ़ा भी है, नोट्स भी बनाया है, कोड भी किया, सब कुछ किया, इसके बाद भी वो भूल रहा है और वो क्वेश्चन बार बार आता है और मेरी बार बार गलती हो रही है, और वो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑर्डर क्वेश्चन वो जो बार बार आते हैं और सेकंड ऑर्डर क्वेश्चन वो जो 1-2 साल के गैप में आते हैं। ऐसे क्वेश्चन अगर गलत हो रहे हैं तो उनको लास्ट में 100 डायरियां बनाएं और उसको नोट करते जाएं, 100 डायरी बनाते जाएंगे, लास्ट में उस डायरी को देख कर चले जाएंगे, लास्ट वीक में बस उस डायरी को 3-4 बार देख लेंगे तो आपकी सामान्य गलतियां नहीं होंगी, बहुत कॉमन सी गलतियां नहीं होंगी और आप, मेरा पूरा विश्वास है कि 80+ स्कोर करेंगे, 80+ स्कोर करेंगे तो आप बहुत सेफ रहेंगे और आपका प्री क्वालिफाई होगा। और प्री इंपॉर्टेंट है, प्री ही आज मेंस जो देना है उसमें भी 3 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 5 मार्क्स के क्वेश्चन आने हैं, 10 वर्ड 50 वर्ड में लिखना, वो प्री जैसे ही स्ट्रक्चर है उसका, इंटू जो हम देते हैं 175 मार्क्स का, उसको भी 1 लाइन 2 1 लाइन या 1 लाइन 2 लाइन में आंसर देना होता है, तो वो भी हमारा प्री जैसे ही है। तो प्री बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, प्री जितना स्ट्रांग होगा उतना अच्छा मेंस और आपका इंटरव्यू भी क्वालिफाई होगा, ये मेरा विश्वास है। तो क्लास कैसी लगी, कैसा फील हुआ, कैसा महसूस कर रहे हैं, कैसा लगता है, आप जरूर लिखें और लोगों तक ये मैसेज भी पहुंचाएं कि हमें ऐसी क्लासों से लोगों को जोड़ना है कि उन लोगों को भी लाभ हो सके, कुछ कुछ जो शेयर करते हैं उससे लाभ मिल सके। आज की क्लास में इतना ही, जय हिंद।